असम में दो दौर की लड़ाई अभी बाकी है और बीजेपी पूरी ताकत से सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। और बीजेपी का दावा है कि सोनोवाल सरकार के 5 साल के काम के बल पर वोट मिलेगा और सत्ता फिर से बीजेपी को ही मिलेगी। बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से खास बातचीत की हमारी संवाददाता प्रिया सिंह। असम में विधानसभा का चुनाव और इन सब के बीच में जो चुनावी माहौल है, जो चुनावी सरगर्मी है, वो इस वक्त तेज हो चुकी है। असम के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। अब एक बार फिर आपको लगता है असम की जनता बीते 5 सालों में जितना कुछ भी आपने प्रदेश के लिए दिया, जो दावे किए आपने, उसके बाद फिर आने वाले 5 साल के लिए असम की गद्दी आपके हाथ में सौंपने वाली है? यहाँ ये आलम था कि अगर असम की कोई खबर आती भी मीडिया में तो आती इंसर्जेंसी को लेकर के, आती रोड ब्लॉकेट को लेकर के। 4-4 महीने सड़क बंद रहती जब बारिश का मौसम होता, बरसात का मौसम, यातायात के साधन सारे ठप पड़ जाते, हवाई अड्डों की कमी थी। कई ऐसे प्रदेश थे जहां लोगों ने रेलगाड़ी देखी तक नहीं थी। आज 5 साल के भीतर इतना क्रांतिकारी बदलाव आया, उसका एक बड़ा छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। जब पहले 2014 से पहले जब भी पर्यटक मेघालय जाने के लिए गुवाहाटी पहुँचते तो उनकी ये मांग रहती कि हेलीकॉप्टर की सेवाएँ को बढ़ा दिया जाए। आज पर्यटक स्वयं कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर में न जा करके सड़क के माध्यम से जाऊंगा, इतना आनंद उसे महसूस होता है उस अनुभव के लिए। तो हमने मेहनत की है, हम लोगों के बीच में रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ 50 बार पूर्वोत्तर के दौरे पर आए, जिसमें से लगभग 45 या 40 बार वो असम आए हैं। और हमने कोई ऐसा दिन ना गुजरा जब असम में कोई ना कोई भाजपा का केंद्र का नेता यहाँ ना रहा हो। सीए एनआरसी के बाद असम की जनता के दिल में आप कितना जगह बना पाए और उस डर को क्या हटाने में आप कामयाब हो पाए अभी तक? मुझे लगता है कि हमने असम की जनता का इस कदर विश्वास जीता है और असम की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी पर इतना अटूट विश्वास है और उनकी विश्वसनीयता के चलते, और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने जो काम किया है, उसके परिणाम स्वरूप जो धारणाएं पैदा की जा रही थी सीए को लेकर के, वो उन धारणाओं के बावजूद ये सीए का मुद्दा बन ही नहीं सका चुनाव में। हालांकि कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया, लेकिन लोगों ने ये समझ लिया है कि इनकी हरकतों से कि ये लोगों के साथ जुड़े ही नहीं है। हम धरती के साथ जुड़े हैं, हमने 2400 घंटे काम किया है, 7 वर्ष, एक दिन, एक रात हमने लोगों के मन में घर बनाया है, उनका विश्वास जीता है। जब चुनाव नजदीक होता है तो धड़ाधड़ रैलियां होती हैं और तमाम जो दिग्गज जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो उन क्षेत्रों का भी रुख करते हैं जहां से उन्हें कभी कोई लगाव नहीं, जहां वो कभी गए नहीं, और वहां जाकर के वो अपनापन दिखाने की कोशिश की जाती है कि वो वहीं के हैं, उस राज्य के हैं, वो वहां के लोग उनके दिल में बसते हैं। आपने ठीक कहा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और है, वर्क कल्चर और है। हमने चुनाव हो कि ना हो, और अगर चुनाव हो तो सारे कार्यकर्ता एक ही जैसे हैं, पद कोई भी हो, जिम्मेवारी कोई भी हो। जब कभी भी यहाँ बाढ़ आती है, क्योंकि अक्सर यहाँ बाढ़ आया करती थी, अब तो काफ़ी हद तक अंकुश पा लिया गया है, वो भी इसी सरकार द्वारा, तो हमारे ही कार्यकर्ता वहाँ रिलीफ कैंप लगाते, भोजन की व्यवस्था होती, रहन सहन की व्यवस्था होती। वहाँ जो ब्रह्मपुत्र के किनारे बसने वाले लोगों को जब वहाँ से चूक करके दूसरी जगह जाना पड़ता तो उसमें सहयोग भी हमारे करते। हमने कभी इलेक्शन के लिए काम नहीं किया है, हमने एक समर्पण के साथ कि ये पूर्वोत्तर समाज भारतीय समाज का हिस्सा है और ये एहसास यहाँ के समाज को भी हो और शेष भारत को हो। इलेक्शन तो एक इत्तफाकन बीच में आता है हर प्रजातंत्र में, और जैसा कि मोदी जी ने भी हमें कहा था कि हम अपना काम करें, जिम्मेवारी निभाएं एंड लेट दी पीपल जज, और लोगों ने हमें इतना विश्वास दिया है, इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम दिया है। असम में किस तरीके से युवाओं को रोजगार आप मुहैया कराएंगे, चाहे सरकारी क्षेत्र में या प्राइवेट क्षेत्र में, उसके लिए क्या रोड मैप आपने बनाया है? अच्छा किया आपने ये पूछा, क्योंकि इस बात को लेकर बहुत सी गलत फहमियाँ फैलाने का की कोशिश की जाती है। देखिए, सच तो ये है कि कोई भी सरकार, किसी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, हर नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। कहीं ना कहीं हमारे मन में जब बात की जाती है रोजगार की तो सरकारी नौकरी की विजुअलाइजेशन होती है, लेकिन हर जिम्मेवार सरकार का ये दायित्व है कि रोजगार के साधन उपलब्ध करे, रोजगार के जरिए उपलब्ध कराए। और इसलिए हमने 5 साल में जो किया है, हमने अनेकों लाइवलीहुड कार्यक्रम शुरू किए। पहले क्या होता था कि यहाँ से युवा बाहर चले जाते थे, मास एक्सोडस ऑफ यूथ, उसका कारण था रोजगार की तलाश, उसका कारण था हायर एजुकेशन की। आज हायर एजुकेशन का हब बन चुका है असम,
रोजगार के इतनी स्कीम्स, इतने इंसेंटिव हैं। अब उसके बावजूद भी जो हमारे युवा बाहर जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि उनकी डिमांड है। पहले वो खुद जाते थे रोजगार की तलाश में, आज उनको वहाँ से लोग ढूंढने आते हैं। एविएशन इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, इवन इन द चॉइसेस्ट 5-star, 7-star होटल जो मेट्रोज में हैं, चाहे बंगलुरु में हैं, चाहे चेन्नई में, वो ये प्रेफर करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के युवक युवतियाँ आकर के हमारे होटल मैनेजमेंट का काम करें।